खबर गाजीपुर से है, जहां कन्नौज से बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर बयान दिया है। उन्होंने भगवाधारियों पर अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि जो जितना बड़ा अपराधी है वो उतना बड़ा समाजवादी है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने हिंदुओं भगवाधारियों का अपमान किया है। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि अखिलेश की हैसियत हो तो मौलवियों मौलानाओं को कुछ बोलकर दिखाएं। बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि बाप को सत्ता मिलती है तो राम भक्तों पर गोली चलवाता है, जबकि बेटे को सत्ता मिलती है तो भगवाधारियों को चिलमजीवी बताता है। उन्होंने दावा किया कि किसान पहले भी बीजेपी के साथ था, आज भी बीजेपी के साथ है। सुब्रत पाठक बीजेपी किसान मोर्चा की ट्रैक्टर रैली का नेतृत्व करने गाजीपुर पहुंचे थे। गाजीपुर में बीजेपी किसान मोर्चा ने ट्रैक्टर रैली निकालकर किसानों को जागरूक किया। गाजीपुर उत्तर प्रदेश से महताब आलम की रिपोर्ट। देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। तो भारतीय जनता पार्टी के जो जिस प्रकार से मोर्चे हैं, जिसमें किसान मोर्चा, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा, अनुसूचित मोर्चा, पिछड़ा मोर्चा, तो ये इस प्रकार सभी मोर्चों के अपने अलग अलग कार्यक्रम हैं। तो इस मोर्चों के माध्यम से किसानों के बीच में जन जागरूकता करना, हमारे सरकार के जो योजनाओं को किसानों तक पहुंचाना, ये इस रैली का लक्ष्य है। वो विपक्ष का काम तो कुछ करना ही है। जब विपक्ष, जब किसान बिल वापस नहीं हो रहे तो विपक्ष अलग झूठ फैला रहा था, वापस हो गए तो फिर भी विपक्ष झूठ फैला रहा है। कुल मिलाकर विपक्ष का काम है इस देश में अराजकता को बढ़ावा देना। विपक्ष अपने काम में लगा हुआ है, हमारा काम है कि देश को आगे लेकर जाना। तो कुल मिलाकर हम देश बनाने की राष्ट्रनीति पे काम कर रहे हैं और वो अपना काम कर। किसानों को पहले भी भारतीय जनता पार्टी के साथ था, किसान आज भी भाजपा के साथ है, लेकिन कुछ तथाकथित लोग जो किसान के कंधे पर बंदूक रखकर जो चलाना चाहते थे, वो उनको सफलता नहीं मिली है और आगे भी सफलता नहीं। जो जितना बड़ा अपराधी वो उतना बड़ा समाजवादी, और जिस प्रकार से भगवाधारियों का अपमान अखिलेश यादव ने जो किया है, भगवा को चिलमजीवी बताने वाले अखिलेश की हैसियत है कि अखिलेश किसी मौलाना के लिए कुछ बोल दें, किसी मौलवी के लिए कुछ बोल दें? हर बार हिंदुओं का अपमान करना, बाप सत्ता मिलती है तो राम भक्तों पर गोली चलवाता है, बेटे को सत्ता मिलती है तो भगवाधारियों को चिलमजीवी बताता है, यह इनकी मानसिकता है और निश्चित रूप से आने वाले समय में इनको जवाब भी जनता देने वाली है।